सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? तुमसे उम्मीद है तुमसे लोग बढ़िया रहोगे, मज़ेदार होगे, बिंदास हो, जबरदस्त हो, और एक नए फ्रेश हो। तुम सभी का तहे दिल से स्वागत है। और गाइस, फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और ये खासकर वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोटेक सीरीज़ का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने माइक्रोटेक में थ्री वे से इंटरनेट को इन कर सकते हैं, एंड बाय ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे जाएंगे माइक्रोटेक के सीरीज़ में, जिसमें कि हम और भी ज़्यादा उसके जो बाकी फीचर्स है उसको भी हम लोग टच करने की कोशिश करें। बट इनिशियली स्टेज में आपको जानना जरूरी है कि आपके पास माइक्रोटेक राउटर बोर्ड है एंड आप उसमें इंटरनेट कैसे इन करवाओगे, क्योंकि नॉर्मल राउटर के सिनेरियो में क्या होता है, आप जस्ट प्लग एंड प्ले करते हो वो चल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रोटेक द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री वेज है, बट हम लोग एक ही तरीके को हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि है DHCP का तरीका। और जो तीन तरीके होते हैं उनमें मैं बता देता हूँ। पहला तो आज ये डायनेमिक वाला हम जो देख रहे हैं, DHCP वाले तरीके से कैसे इंटरनेट इन करेंगे, एंड जो बाकी दो तरीके होते हैं वो होते हैं PPoE के तरीके से, एंड होता है स्टैटिकली, एंड दूसरा होता है हॉटस्पॉट से, बट वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता। जितने भी ISP आपको कनेक्शन देते वो ये तीन ही तरीके से आपको इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, डायनेमिकली, स्टैटिक एंड PPoE, ठीक है, PPoE जिसे हम बोलते हैं। तो आज का इस वीडियो के सिनेरियो में अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका कुछ इस तरीके से नेटवर्क है तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, एंड आप इस वीडियो को देख करके जान सकते हो कैसे आप अपने माइक्रोटेक में इंटरनेट को इन कर सकते हो। सपोज पकड़ लीजिए आपके ISP ने आपको एक इंटरनेट कनेक्शन दिया, उसने अपना एक राउटर बिठा दिया। अब उस राउटर से आपका हो क्या रहा है कि आपके वाईफाई वगैरह, आपके फ़ोन वगैरह इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, एंड आप चाहते हो कि उसी के एक इथरनेट पोर्ट से निकाल करके आप अपने माइक्रोटेक में इन करवा दो, एंड उस माइक्रोटेक में इंटरनेट आ जाए, एंड उस माइक्रोटेक से आप अपना नेटवर्क को चलाओ। तो इस सिनेरियो में क्या है कि आपके ऑलरेडी आपके ISP ने एक राउटर दे करके रखा है, तो उस राउटर तक तो इंटरनेट आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि उस का इंटरनेट हम माइक्रोटेक तक लेके जाए, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टैटिकली भी लेके जा सकते हैं, डायनामिकली लेके जा सकते हैं। तो आज के स्टूडियो हम लोग देखेंगे डायनामिकली आप कैसे अपने माइक्रोटेक में इंटरनेट को इन करवा सकते हो, एंड उसी माइक्रोटेक से कैसे इंटरनेट को आउट करवा सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल भी में होने वाला है। और वैसे अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो मेरा नाम है रोशन, और मैं बेसिकली माइक्रोटेक के रिलेटेड वीडियोज़ कुछ बनाता हूँ, जो कि मेरा खुद एक सेल्फ लर्निंग स्टेज है। तो मैंने सोचा कि ऐसे वीडियोज़ आप लोग बना दिया जाए, क्योंकि यार बहुत से कम वीडियोस हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वे में, कुछ वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं यूट्यूब में, बट उनके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए नेटवर्किंग का, एंड कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि मतलब के नहीं होते। तो मैं भी खुद एक सेल्फ लर्निंग स्टेज में हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिगिनर टू बिगिनर का एक सेल्फ लर्निंग वीडियो बन जाएगा, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ये सब अपने लेवल पे सीखा है। और मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा मैं आपको डिटेल में जो पार्ट कवर किया जाए मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंटायरली देखना, और जो हिसाब से मैंने नेटवर्क का टोपोलॉजी बताया आपको, अगर आपका ऐसा नेटवर्क है तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। और एक चीज़ है, मैंने अभी रिसेंटली लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया गेमिंग का, हम वैलोरेंट प्ले करते हैं, तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ लाइव सेशन कुछ क्वेश्चंस पूछना है, डेफिनेटली कम टू दैट चैनल, कमेंट करो, हम वहाँ पे कोशिश करें आपके आंसर्स देने के लिए। तो सीधा चलते फटाफट वीडियो की तरफ। सो गाइस, पहले तो मैं अपने स्क्रीन में तुम्हें शेयर करने की कोशिश करूँगा कि क्या सेटअप होने वाला है, और मोस्ट ऑफ द डिटेल वे में होने वाला है। तो पकड़ लो आपका कुछ ऐसा नेटवर्क है, मैंने वीडियो के पहले में बताया, बट अगेन हम शो कर देते हैं आपको जिससे आपको बेटर वे में समझ आए। तो पकड़ लीजिए आपके ISP ने आपको एक, ये पकड़ लीजिए ISP का कनेक्शन आया सीधा, एंड उसने आपको एक राउटर दिया हुआ, ठीक है, ये एक राउटर हो गया, डोंट गो विथ माई ड्राॅइंग, ठीक है। एंड अब इस राउटर से आपका वाईफाई निकल रहा है, एंड ये वाईफाई सिग्नल्स जा रहा है जिससे कि आपके फ़ोन्स वगैरह सब चल रहे, राइट। बट इन दैट सिनेरियो आप चाहते हो कि ये जो राउटर है ये बेसिकली राउटर उतना सेफ नहीं है, आप चाहते हो कि मच बेटर राउटर लगे जिसपे आपके फायरवॉल चले, मतलब आपका एक गेटवे लगे। तो आप क्या चाहते हो कि इसी के पोर्ट में, या से शायद से इसका LAN 1 होगा, एक मिनट, LAN 1 रहेगा, वो डिपेंडिंग करता है कि कौन सा मॉडल है, LAN LAN 2 रहा, ठीक है, ये दो पोर्ट आपके हो गए, ठीक है, ये दो पोर्ट आपके हो गए, एंड ऊपर से वाईफाई भी जा रहा है। अब इसमें होता है कि अब ये मैटर नहीं करता कि आपका ONU है, ONT है, या फिर एयर फाइबर का है, बस आपका जो मेन ISP का जो दिया हुआ डिवाइस है उसी का मैं बोल रहा हूँ। आप चाहते हो कि आपके पास माइक्रोटेक है, ठीक है, ये माइक्रोटेक का राउटर हो गया, IKROTEK माइक्रोटेक हो गया, ठीक है। अब चाहते हो कि माइक्रोटेक में आपको बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल का यूज़ कर रहे हो, जब आप बेस लाइन का भी लेने जाओगे, हैप लाइट लोगे या फिर हैप मिनी लोगे, तो उसमें आपको 3 to 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो उसमें से एक पोर्ट रहेगा ये, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P1, ठीक है, पोर्ट 1, फिर यहाँ पे मैं P2 पोर्ट नंबर 2, यहाँ पे सुकर दे P3 पोर्ट नंबर 3, ठीक है।
अब डिपेंड करते कौन सा मॉडल पे लेते हो, हमें बस अभी एक ही पोर्ट यूज़ करना है जिसमें हम इंटरनेट इन करवाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो ISP का राउटर है यहाँ से सीधा एक इथरनेट केबल लाया एंड इसमें डाल दिया। अब इथरनेट केबल ला के डालने देने से इंटरनेट नहीं चलेगा इसका। अभी क्या करना है आपको, कुछ मेन कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद ही आप इसमें इंटरनेट एक्सेस करते हो। मीन्स ये जो माइक्रोटेक है, इस माइक्रोटेक में आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो। तो अब क्या कर सकते हो कि आप, आपका जबकि ये जो राउटर होता है बेसिकली ISP का जो एंड का राउटर दिया हुआ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको DHCP सर्वर सेटअप रहेगा। DHCP सर्वर का काम क्या होता है कि आपके एंड में इंटरनल जो प्राइवेट नेटवर्क है उसके अंदर सबको IP देना। हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक IP रहेगा जिससे कि वो एक आइडेंटिफाई कर सके। जो IP एड्रेस होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, वेरस एक MAC एड्रेस उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है। अब हर एक डिवाइस को हम एक लॉजिकल एड्रेस देते हैं। पकड़ लीजिए मेरे यहाँ पे एक फ़ोन है, स्मार्टफोन है, यहाँ पे मेरा एक TV है, ठीक है, यहाँ पे मेरा PC है, ठीक है, PC है। तो ये फ़ोन को, ये फ़ोन मेरा वाईफाई से कनेक्ट हो गया, ये मेरा PC, अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ तो मेरा क्या हुआ कि मेरा PC डायरेक्टली इससे कनेक्ट, सॉरी TV इससे कनेक्ट हो गया, फिर अगेन इसी स्विच से मेरा PC कनेक्ट हो गया। तो अभी क्या होगा कि सेम यही जो IP है आपके इस इथरनेट 2 पे, लैंड 2 पे भी जा रहा होगा DHCP का। अब हम चाहते हैं कि ये जो DHCP वाला जो सर्वर है आपका ISP का, ये IP माइक्रोटेक को दे दे। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हम लोग वाईफाई ऑन करते हैं हमारे नॉर्मल डिवाइसेस में, हमारे PCs में, तो ऑटोमेटिक IP उठा लेता है। उसमें DHCP क्लाइंट मतलब ऑलरेडी सेटअप रहता है, वो ऑटोमेटिक IP उठा लेता है। माइक्रोटेक के सिनेरियो में आपको जाकर के DHCP क्लाइंट को अनेबल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये मैनुअली एक IP उठाएगा, लॉजिकली एक IP उठाएगा। अब वो जाकर के हम डायरेक्टली स्क्रीन में देखते हैं वो कैसे उठाता है। अब हमारा मेन मोटो है कि हमें इसे एक IP देना है, डिपेंडिंग कोई भी नेटवर्क क्लास ABC कुछ भी हो सकता है। पकड़ लीजिए अगर ये इसका नेटवर्क, पकड़ लीजिए ISP का नेटवर्क का ये वहाँ पे हो गया 192.168.2 का नेटवर्क पड़ रहा है, 2.1 है, ये इसका गेटवे हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब माइक्रोटेक के लिए जो सामने का राउटर का जो गेटवे है, निकलने का रास्ता है, वो ये 2.1 है। वेर एस अब क्या करेगा कि इनके पास एक पुल है स्लैश, जिसे हम 24 बोलते हैं, जो कि हम सबनेट बोलते हैं। आई नो कि थोड़ा कम्प्लेक्स आ रहा है, बट हाँ इसे सबनेट बोलते हैं। अब ये सबनेट का काम रहता है कि ये डिसाइड करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ IPs होने चाहिए नेटवर्क के अंदर। स्लैश 24 का मतलब होता है टोटल 254 IPs, जिसमें हम लॉजिकली बोल सकते हैं 253 IPs को यूज़ करते हैं। आई थिंक आई एम करेक्ट। तो इसमें इससे क्या है ना, 2.1 तो हमारे इसका हो गया, ISP वाले राउटर हो गया। अब बचे जो है 192.168.2 से लेकर के 192.168.2.254। अब बोलोगे रोशन यार 255 किधर गया, 255 ब्रॉडकास्ट टाइप ही होता है, वो एक रिजर्व रहता है। एंड इसके आगे और एक IP रहता है जिसे हम बोलते हैं 192.168.2.0, ये भी एक रिजर्व IP रहता है। तो टोटल 3 नंबर ऑफ IP हमारे रिजर्व हो जाते हैं, जो कि 2.1 हो गया। अब वो डिपेंड करते हैं कि आप कैसे असाइन कर सकते हो अपने गेटवे IP, कुछ भी रख सकते हो। 2.1 होना नेसेसरी नहीं है, आप 2.3 भी रख सकते हो, 2.4 भी रख सकते हो, वो आप अपने राउटर को एक IP दे रहे हो। आपका ISP का राउटर का एक IP हो गया, फिक्स IP हो गया, जिसे कोई भी कनेक्ट होगा तो इस IP पे कनेक्ट होगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे जा करके हमें ज़रूरत है। तो क्या होगा कि हमेशा आप 2.0 255 है, एक्चुअली मैं इसे हटा देता हूँ, हाँ 2.0 हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। एंड आपका क्या होता है ना 192.168.2.255, ये कभी नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं होता, और गेटवे IP कभी हम किसी को दे नहीं सकते। तो बचे जो हमारे 2.2 से लेकर के 254 तक हम कोई भी IP असाइन कर सकते हैं अपने राउटर को, आगे आने वाले डिवाइस को। ये आपका जो ISP का राउटर है डायनामिकली सबको IP एक देता रहता है, भाई हमारे पास इतना IP, तुम ये IP रखो और तुम उससे कनेक्ट हो जाओ। ये इसी तरीके से कनेक्ट होता है। तो अब होता क्या है कि अब पकड़ लीजिए मेरा फ़ोन कनेक्ट होता है, तो मेरे फ़ोन को शायद से यहाँ पे 2.2 मिल गया, मेरे PC को मिल जाएगा 192.168.2.3 मिल गया मेरे PC को। एंड अगर मैं इसको थोड़ा नीचे जाता हूँ 192.168.2.4 मिल गया मेरे TV को। एंड उसी तरीके से हमें एक डायनामिकली IP एक असाइन होगा अपने माइक्रोटेक के लिए, और डिपेंड करता है कि कौन सा वो डायनामिकली देगा 192.168.2.1 मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है और मैं टैब में काफ़ी दिनों के बाद लिख रहा हूँ 68.2.5 हो जाएगा शायद से मेरे माइक्रोटेक को मिल जाएगा। एंड ये 2.5 है ना, ये 2.1 से कनेक्ट होगा एंड ये आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है।
एंड इसी तरीके से आईपी दिया जाता है नेटवर्क के अंदर एंड वो आपस में बातचीत करता है। आपको समझ में आ गया कि आईपी कैसे वर्क करता है एंड हमारा क्या गोल है अभी के राइट नाउ सिनेरियो में, हमें एक आईपी चाहिए जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। अब इसके आगे और एक चीज़ आता है, अब क्या है कि ना हमें तो माइक्रोटेक पर आईपी मिल गया, अब इसके आगे का जो सिनेरियो कि हम माइक्रोटेक से और एक अपने डिवाइस को अब पकड़ लीजिए, इसके आगे आपने एक स्विच लगा दिया एंड इसके आगे आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हो गए या फिर आपका पीसी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे एक पीसी हो गया, यहाँ पे एक आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है ना, ये लैपटॉप हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका फिर आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आपका और एक टीवी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका टीवी हो गया, तो अब इनको भी तो आईपी चाहिए ना। अब होता क्या है कि नॉर्मल सिनेरियो में जब आपके इस डिवाइस में जैसे माइक्रोटेक में आ गया, आप क्या कर रहे हो कि इसे ऐसे एक डीएचसीपी क्लाइंट तो सेटअप करो, बट अभी ये यहाँ का एक सर्वर बन गया, अब ये माइक्रोटेक का काम है कि ये इसको एक आईपी देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा गोल रहेगा अभी के सिनेरियो में कि हमें डायनामिकली एक आईपी तो सामने से आईएसपी के राउटर से मिल जाएगा, बट हमारा कोशिश रहेगा कि माइक्रोटेक के राउटर में हम एक नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे एंड यही भी कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको बोला था, हम आईपी कैसे असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे एक हम एक आईपी पुल बनाएंगे डायनामिकली, तो उसमें होगा क्या कि हम यहाँ पे सेट करें 192.168.3.0/24 कंप्लीट नेटवर्क हो गया, इसमें से 192.168.3.1 हमारा माइक्रोटेक का आईपी हो जाएगा। अब इन जो डिवाइस है अगर ये माइक्रोटेक से बात करेंगे तो माइक्रोटेक का भी तो एक आईपी होना चाहिए, जो 3.1 होगा ये मेरा माइक्रोटेक का आईपी होगा एंड इसके बाद के जो भी आईपी असाइन होगा 192.168.3. से लेकर के जो डैश टू जो टू के बाद का जो है टू से लेकर के लेके 254 तक कोई भी डायनेमिकली हमारे जितने भी ट्रेस डिवाइस जो माइक्रोटेक से कनेक्ट होंगे उनको आईपी मिल जाएगा। तो ये गोल होने वाला है और इसी के साथ और एक चीज़ ऐड हो जाता है कि हमें यहाँ पे एक नेट करना पड़ेगा। नेट का ज़रूरत क्या होता है, नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब होगा क्या कि जैसे कि इन सभी डिवाइसेस को ये पीसी को मेरे यहाँ पे जो पीसी है, ठीक है ना, ये पीसी हो गया, ये मेरा लैपटॉप हो गया, ये मेरा टीवी हो गया, इन सबको एक आईपी मिल रहा है, बट हम जब नेट असाइन करते हैं ये होगा कि इन सभी का आईपी को कंबाइन करके ये डायरेक्टली इसको लेके जाएगा, जैसे कि पकड़ लीजिए ये जो अब क्या है ना इनके जो भी आईपी रहेंगे, ये जो आईपी रहेगा इन सब का, इन सबको कंबाइंड करके हम ले करके जाएंगे जो माइक्रोटेक का आईपी मिला है 2.5 जो भी डायनामिकली मिला डीएचसीपी क्लाइंट में हम देख लेंगे उस आईपी पे हम लेके जाएंगे। तो होगा क्या कि आपके जो आईएसपी वाला जो राउटर है उसको सिर्फ एक ही आईपी दिखेगा, लेकिन इसके पीछे मल्टीपल आईपी चल रहे होंगे आपके माइक्रोटेक के अंदर जो उसको नहीं दिखेगा। तो ये कंप्लीट गोल है। अब हम आगे जाएंगे, हम जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपको और बेटर वे में समझ में आएगा, तो फटाफट से चलते पीसी में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे। सो गाइस हम अपने विनबॉक्स पे आ चुके हैं। अगर आपको विनबॉक्स के बारे में नहीं पता तो विनबॉक्स पे आप माइक्रोटेक को कनेक्ट करोगे एंड यहीं से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आप वेब बेस्ड में भी कर सकते हो और डायरेक्टली विनबॉक्स को डाउनलोड करके भी कर सकते हो। विनबॉक्स का ये स्पेशलिटी आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर माइक्रोटेक डिवाइस कनेक्टेड रहेगा तो वो इसे शो कर देगा एंड आप यहीं से कनेक्ट करके कर सकते हो। तो जो मेरा माइक्रोटेक देख सकते हो ये IPv6 है एंड इसके साथ जो आप नीचे का देख रहे हो एड्रेस है ये मेरा IPv4 है। तो अब क्या कि पूरा डिफॉल्ट सेटिंग्स में तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो हम इसमें लॉगिन लेंगे एंड बाय डिफॉल्ट जब आप पूरा ब्रांड न्यू राउटर लेते हो तो उसमें जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड नहीं होता, लॉगिन में सिर्फ एडमिन होगा एंड हम उसे कनेक्ट कर लेंगे। डिवाइस हमारा कनेक्ट हो चुका है एंड इट सेज कि हमें चेंज पासवर्ड करना है, बट इनिशियली हमें करने की जरूरत नहीं है, हम बाद के स्टेप्स में करेंगे। तो अगर आप लोगों को नेटवर्क टोपोलॉजी अभी तक समझ में आ चुका है तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप रहेगा हम लोग DHCP क्लाइंट सेटअप करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एक आईपी पुल क्रिएट करेंगे, उसके बाद नेट करेंगे एंड उसके बाद हमारा इंटरनेट चल जाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये माइक्रोटेक का पेज है, ठीक है, आप देख सकते हो माइक्रोटेक का पूरा सेटिंग। अब मेरे करने का इस पर करने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आप इनिशियली कर रहे हो जो मैं तरीके में बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है। पहले हम DHCP क्लाइंट सेटअप करेंगे, पहले हम इंटरनेट को इन करवाएंगे, हम पहले जाएंगे इंटरफेसिस में जाएंगे एंड यहाँ पे बाकी टैब्स में आप इसमें से जा करके आप सेटिंग कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। अगर मैं कुछ इनिशियली ओवरव्यू दूँ तो यहाँ पे आर का मतलब रनिंग है, मीन्स इस यहाँ पे ईथर 1 मतलब उसका पोर्ट नंबर 1, ईथर 2 पोर्ट नंबर 2, ईथर 3 पोर्ट नंबर 3, ईथर 4 पोर्ट नंबर 5, ईथर 5 पोर्ट नंबर 5 एंड इसके साथ WLAN रहेगा तो उसका वायरलेस कार्ड के बारे में शो करेगा। अब यहाँ पे R का मतलब रनिंग है, कुछ ना कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। तो ईथर 1 पे हमने इंटरनेट का इन करवाया है, ईथर 5 से मेरे एक स्विच कनेक्टेड है एंड ईथर 4 से मेरा PC कनेक्टेड है, आई बिलीव हाँ PC कनेक्टेड है।
तो हम क्या करें, पहले नेमिंग करेंगे. नोमेनक्लेचर करने से होता क्या है कि हमें एक आइडिया रहता है और हम काफ़ी इजी से इजीली मतलब आगे जा कर के हमें समझने में बहुत ही आसान होता है कि हमने कौन से इंटरफेस को क्या दे करके रखा है. तो हम पहले इसका नेमिंग कर देते हैं. तो डबल प्रेस करेंगे, इथर में जाएंगे, ठीक है. इथर वन को हम लोग वैन वन कर रहे हैं, डब्ल्यू एन वैन, ठीक है. वन वन ही हो गया, वैन वन, ओके. वैन वन अप्लाई, ओके. अब ये इसमें इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग का इंटरनेट हो रहा है. अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको लैन टू कर लेंगे, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर, लैन फाइव. तो हमारे नेमिंग सब कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स दैट सिंपल. अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत ही आसान है. तो ये हमारा नेमिंग हो गया, हमारा थ्री पोर्ट रनिंग है. अगेन आई एम सेइंग, पहले पोर्ट में हमारा इंटरनेट इन हुआ है, दूसरे पोर्ट से मेरा पीसी कनेक्टेड है एंड लास्ट वाले पोर्ट पे हमारा डेफिनेटली लैन फाइव पे हमारा एक स्विच कनेक्टेड है. तो अगर हम लोग डीएचसीपी सर्वर सेटअप करेंगे हमारे यहाँ का, जो कि 3.0 का नेटवर्क होने वाला है, उस पर हमारे डीएचसीपी सर्वर से एक हमारे स्विच को भी एक आईपी एसएन होने जाना चाहिए. तो वो आगे जाकर देंगे. तो यहाँ पे हो गया. अब क्या करेंगे, अब हमारा आता है डीएचसीपी क्लाइंट का सेटअप, हम इसमें इंटरनेट इन करवाएंगे. अब करना क्या है कि आपको डीएचसीपी यहाँ पे जाना है, सीधा आपको आईपी पे जाना है, डीएचसीपी क्लाइंट का ऑप्शन आ जाएगा. डीएचसीपी क्लाइंट में जाने के बाद आपको प्लस क्लिक करना है, प्लस क्लिक करते आपको इंटरफेस का ऑप्शन आएगा कि आपको कौन से इंटरफेस से आपको इंटरनेट को इन करवाना है. सीधी सी बात है, हम लोग को वैन वैन से करवाना है, जो पोर्ट नंबर वन है. यहाँ पे यूजिंग प्रियर डीएनएस एंड यूजिंग प्रियर एनटीपी. प्रियर डीएनएस का मतलब होता है कि वो सामने से उसका जो आईएसपी का वाला राउटर का जो डीएनएस है वो उठा लेगा, हमें ज़रूरत नहीं है. सेम गोज टू एनटीपी. अप्लाई, ओके कर देंगे. एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब ये राउट खुद सेट कर लेगा, तो हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं जब हम लोड बैलेंसिंग करते हैं या फिर अपना फेल ओवर करते हैं तब उसका नीड पड़ता है. बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो एड डिफ़ॉल्ट राउट है वो यस ही रहेगा. ओके अप्लाई, ओके ठीक है. राइट नाउ यू सी हम लोग को एक आईपी मिल चुका है 2.3 का /24. इसका मतलब जो सामने वाला नेटवर्क है वो एक क्लास सी का नेटवर्क है एंड उसमें 253 नेटवर्क टोटल यूज़ हो सकते हैं, आईपी यूज़ हो सकते हैं. उसमें से हमें एक आईपी जो मिला है 2.3, 2 का नेटवर्क हो गया, 3 का हमें हमारा आईपी हो गया, ठीक है. अब ये हो चुका है, हमारा इंटरनेट तो आ चुका है, अब हद तक हमें आईपी एक मिल चुका है. अब जाएंगे हम एड्रेसेस में जाएंगे. एड्रेसेस में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक हमें आईपी शो रहा है डायनेमिकली. डी का मतलब होता है डायनेमिकली. यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो भी हो रहा है, हमें एक डायनेमिकली आईपी मिल चुका है. अब करना है क्या है कि अभी आपको अपने राउटर में एक डीएचसीपी सर्वर सेटअप करना है. अब आई मीन अगर आपके माइक्रोटेक से जो कनेक्ट होंगे उनको भी तो आईपी मिलना चाहिए, ठीक है. ये जो आईपी मिला है ये सामने से हमें आईपी मिला है, वो हमारा एड्रेस है. बट हमसे जो कनेक्ट होंगे हमें उनको एड्रेस देना है. तो राइट टू हमें क्या करना है कि यहाँ पे ब्रिज में जाना है. मेरा करने का तरीका सबसे अलग है. आप यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप हर एक इंडिविजुअली पोर्ट को भी एक डीएचसीपी सर्वर बना सकते हो या फिर एक कर सकते हो कि आप एक स्विच बना सकते हो, एक लॉजिकल स्विच बना दोगे एंड उस स्विच के अंदर आप इन पोर्ट को असाइन कर सकते हो कि यार मतलब इसमें ये सर्विस चल जाए. जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ब्रिज में मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा, DHCP SERVER. ये एक लॉजिकल स्विच हो रहा है, ठीक है. अप्लाई, ओके. यहाँ पे एक हमने नेमिंग कर दिया डीएचसीपी सर्वर का, आप कुछ भी नाम दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क टोपोलॉजी. पोर्ट्स में आएंगे, पोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पे प्लस क्लिक करेंगे. प्लस क्लिक करने के बाद जबकि हमने इंटरफेस वैन वन यूज़ कर चुके हैं, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. एंड ये माइक्रोटेक में मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है, अगर आप वैन वन क्लिक भी करोगे ना तो भी यूज़ हो जाएगा, तो वो एरर नहीं शो करता, ठीक है. और अगर आपने ऐसे कर दिया तो फिर आपके नेटवर्क में दिक्कत आएगा. हम चाहते हैं कि अपना लैन नंबर 4 में डीएचसीपी सर्वर चल जाए. एंड यहाँ पे एज का मतलब होता है हार्डवेयर ऑफलोडिंग, ठीक है. वो डेडिकेटेड चिप को यूज़ करें स्विचिंग करने के लिए. यहाँ पे और प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लैन 5 को. अप्लाई, ओके. हमारे दो पोर्ट में क्या बोलते हैं डीएचसीपी सर्वर सेटअप हो चुका है. मतलब सर्वर तो सेटअप नहीं हुआ, हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे रूट पोर्ट, ओके. हार्डवेयर अपलोड, ठीक है, ओके ओके सब सही है. डीएचसीपी सर्वर सेटअप हो चुका है हमारा. अब देखो हमारे यहाँ पे मैंने जबकि आपको बोला था कि मैक एड्रेस जो होता है एक फिजिकल एड्रेस होता है, बट यहाँ पे एक लॉजिकली एक मैक एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन किया है, जो कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोटेक ने ही इस स्विच को दे दिया. ये एक माइक्रोटेक के अंदर ही एक स्विच बना दिया हमने, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको नीड पड़ जाना कि भाई यार हमें बस बता दो कि इंडिविजुअल इसी पोर्ट में कैसे डीएचसीपी सर्वर सेटअप करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा. बट अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से कैसे करते हैं. पोर्ट असाइन हो चुका है. अब होगा क्या कि अगर मैं कोई भी आईपी इसमें असाइन करता हूँ डीएचसीपी सर्वर में, इन दोनों को ही वो सेम आईपी मिलने वाला है. अब देखते कैसे.
एड्रेस लिस्ट में आएंगे, ठीक है। एड्रेस लिस्ट अगर आपको नहीं पता कि हमें कहाँ से मिला, अगेन मैं वो स्टेप्स शो करने का कोशिश करूँगा जिससे कि आपको बेटर में समझ में आए। एड्रेसेस में आएंगे, एड्रेस लिस्ट आ गया हमारा, प्लस क्लिक करेंगे, हम एक आईपी बनाएंगे। हमने क्या बोला था कि 3.0 का एक नेटवर्क बनाएंगे, चलो 3.0 को बना लेते हैं। 192.168.3.0/24। अब यहाँ पे जो जीरो ना, हम यहाँ पे नहीं दे सकते, नेटवर्क के अंदर ये ऑटोमेटिक जीरो उठाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो एड्रेस में इनिशियली जो एड्रेस है ना, यहाँ पे हम अपने गेटवे आईपी देंगे, गेटवे हम 3.1 नहीं देंगे, हम कौन से इंटरफेस में। अब देखो यार, अगर इंटरफेसेस में जाओगे ना, तो ये देखो एक लॉजिकली एक यहाँ पे एक इंटरफेस बन चुका है, हम इसको आईपी असाइन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि इसको डीएचसीपी सर्वर में असाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे, नेटवर्क हमारा 3.0 बन गया, बहुत ही बढ़िया, एंड बैम हम लोगों का डीएचसीपी सर्वर को एक आईपी मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जबकि ये देखो आर, पहले ये आर था, ठीक है, अब आर एस हो गया, रनिंग स्लेव, क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर के अंदर चल रहा है, ठीक है, एज अ स्विच वर्क कर रहा है। अब क्या करना है कि हमने डीएचसीपी सर्वर भी असाइन कर दिया, बट अभी तक हमें आईपी नहीं मिलेगा। अब क्या करना है कि हमें आईपी पे अंदर आना है, डीएचसीपी सर्वर के अंदर आना है। डीएचसीपी सर्वर में आए, डीएचसीपी में क्लिक किया, डीएचसीपी सेटअप में क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आपको अगेन इंटरफेस सेलेक्ट करना है कि भैया कौन से इंटरफेस में हमें सर्वर बनवाना है। डीएचसीपी सर्वर को सिलेक्ट करें, ऑफकोर्स ये बात है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसने आईपी उठा लिया कौन से नेटवर्क का है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड बैक करेंगे ना, देखो 192.168.3.2 से लेकर 254 तक हमें आईपी मिलेगा, ठीक है। जीरो हम यूज़ नहीं कर सकते, पूरा ओवरऑल नेटवर्क जीरो का है। 3.1 हम हमारे माइक्रोटेक का आईपी हो गया, एंड जो 255 लास्ट वाला जो रहता है वो ब्रॉडकास्ट आईपी हो गया। तो इसमें से ये देखो, ये आईपी है हमारे नेटवर्क के हिसाब से जा रहा है, हमने जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था पहले। अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, डीएनएस सर्वर हम मैन्युअली देंगे, आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो, चलो दे ही देते हैं। यहाँ पे डीएनएस 8.8.8.8 हमने डीएनएस दे दिया, गूगल का डीएनएस। लीस्ट टाइमिंग का मतलब होता है कि ये हमेशा 10 मिनट्स के बाद एक पैकेट सेंड करेगा, सॉरी लीस्ट टाइमिंग, जब ये लीस्ट मतलब 10 मिनट्स के लिए कनेक्शन रहेगा, उसके बाद वो वापस से पिंग करेगा। अगर कनेक्शन एक्टिव रहता है भाई, बंदे को वापस से सेम ही आईपी मिल जाए, अगर नहीं रहता तो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो लीस्ट टाइमिंग को आप ज़्यादा बढ़ा करके भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, 10 मिनट्स मोर देन इनफ है, चल जाएगा। ओके, अब हम लीजेस के अंदर जाते हैं। लीजेस के अंदर देखो, हमें हमारे यहाँ पे डिवाइस कुछ शो नहीं कर रहा है, और हम लोग अगर कंट्रोल पैनल में भी आते हैं ना, अगर मैं कंट्रोल पैनल खोलता हूँ, अपना ओपन कर लेते हैं, नेटवर्क शेयरिंग, ओके, मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ला के आपको डिटेल्स में शो करता हूँ ना, यहाँ पे हमें कोई आईपी नहीं मिला, ठीक है ना, ना ही हमें गेटवे आईपी मिला, गेटवे हमारा 3.1 होना चाहिए, एंड डीएनएस सर्वर भी नहीं मिला, ठीक है, और यहाँ पे हमें आईपी भी नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हम क्या करेंगे, इथरनेट पोर्ट को डिसेबल फिर अनेबल करेंगे। वो किस तरीके से, CON कंट्रोल पैनल करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल को इधर लेके आता हूँ, नेटवर्क शेयरिंग में जाएंगे, यहाँ पे इथरनेट आपको दिख रहा है, इसको कुछ नहीं करना, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में जाना है, इसको भी इधर लेके आते हैं, एंड इसको डिसेबल एक बार करेंगे, एंड इसको एनेबल कर देंगे, एंड प्रॉब्ली नाउ हमें एक आईपी मिल जाना चाहिए हमारे माइक्रोटेक से, राइट। और माइक्रोटेक के पेज में भी यहाँ पे जो पहले 000 आया था, वहाँ पे भी हमें एक आईपी मिल जाना चाहिए। कैंसिल क्लिक करेंगे, एंड रिफ्रेश में क्लिक करेंगे, 3.1 हमारे गेटवे आईपी मिल गया, बहुत ही बढ़िया। तो इस हिसाब से हमें हमारे राउटर के अंदर भी एक आईपी मिल जाना चाहिए। इथरनेट में जाएंगे, इधर पे आ जाते हैं, डिटेल्स में जाएंगे, एंड बैम हमें एक आईपी मिल गया, ठीक है ना। अब वो आईपी मिला है 3.254 का आईपी मिला है, गेटवे आईपी मिल गया, डीएचसीपी सर्वर का हमें दो दो डीएचसीपी सर्वर का जो गेटवे आईपी है वो 3.1 है, डीएनएस हमें 8.8.8 मिल गया, क्लोज। अभी भी देख सकते हो यार, हमारे इंटरनेट नहीं चलेगा, अगर मैं पिंग करने की कोशिश भी करूँगा तो नहीं चलेगा, अब मैं दिखाऊँगा कैसे। और एक चीज़ था, आप जो माइक्रोटेक में लॉगिन करोगे ना, बाय आईपी भी अभी लॉगिन कर सकते हो, बाय मैक एड्रेस भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो हम मैक एड्रेस से ही करते हैं। हमने कनेक्ट करवा लिया, कनेक्ट हो चुका है। अब लीजेस में जा करके देखो यार, पहले नहीं था, अब लीजेस में जा करके देखो यार, आ चुका है। यहाँ पे देखो, ये मेरा एक स्विच जो कनेक्टेड है वो आ चुका है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इस स्विच को जो आईपी मिला है, अगर मैं इसी आईपी को कॉपी करता हूँ ना, और मैं अगर अपना कोई ब्राउज़र समथिंग खोलता हूँ, और मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ना, देखो यार हमारा ये पैनल भी खुल रहा है, बहुत ही बड़े हम पिंग करवा पा रहे हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें दिखाना था, दिखा दिया। अब देखो, ये होस्ट नेम शो हो रहा है, X370 मेरा मदरबोर्ड का नेम है जो मेरा पीसी कनेक्टेड है, एंड ECS ये मेरा एक स्विच कनेक्टेड है एच कोर का, उसका आईपी मिल गया, इन दोनों को ही अपना एक आईपी मिल गया डायनेमिकली, एंड यहाँ पे D का मतलब होता है डायनेमिक, ओके। तो यहाँ तक हो गया, बट अभी हमारे इंटरनेट नहीं चलेगा। अब मैं अगेन वापस आपको ब्राउज़र खोल के ही दिखा देता तो बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा।
अब मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, देखो यूट्यूब नहीं चल रहा, हमने क्या बोला था, हमें नेट करना था, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि आईपी तो सबको मिल गया लेकिन आईपी यहाँ से निकल के नहीं जा रहा, फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फायरवॉल में आएंगे, ठीक है। फायरवॉल में आने से पहले हम यहाँ पे डीएनएस दे देते हैं मैनुअली, यहाँ पे हमने उस ब्रिज को दिया था, यहाँ पे एक डीएनएस का, आईपी के अंदर आप आओगे ना, आईपी के अंदर आने के बाद डीएनएस का ऑप्शन, यहाँ पे भी आपको डीएनएस दे देना चाहिए 1.8.8.8 एंड यहाँ पे हम क्लाउड फ्लेयर का भी दे देंगे 1.1.1, आप कुछ भी दे सकते हो, बट हाँ डीएनएस सर्वर होना चाहिए। तो हाँ ये हो गया, हमने डीएनएस दे दिया। अब क्या करेंगे ना, अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे एंड यहाँ पे चेंज पासवर्ड के लिए बोला, पहले पासवर्ड चेंज कर लेते उसके बाद करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, ADMIN एडमिन लॉगिन, ओके ओके। वापस हम एक बार इसको क्लोज कर लेते हैं एंड वापस से यहाँ पे क्लोज कर लॉगिन कर लेते 3 4, ओके 1 2 3 4, हमारा डिवाइस लॉगिन हो चुका है, पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अब राइट नाउ हम पिंग करवा के देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं। तो PING पिंग 8.8.8.8, ये देखो हमारे यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है लेकिन हमारे पीसी में इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, मतलब राउटर तक इंटरनेट आ रहा है बट राउटर से इंटरनेट जो डिवाइसेस कनेक्ट है इस पे इंटरनेट नहीं जा रहा। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल खोलता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं एंड इसको इधर पर लेके आते हैं, ठीक है। PING 8.8.8-T। अब देखो ये टाइम आउट हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम गूगल को पिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे इंटरनेट ही नहीं है। हम इसको यहीं पे रहने देते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नेट का करते हैं। अब ये नेट बहुत लोग क्या करते हैं, नेट को मिस कर जाते हैं, इसके बाद उनका इंटरनेट चलता नहीं है। फायरवॉल में जाएंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, प्लस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सोर्स नेट में क्या करना है, आपको वो एड्रेस डालना है जिससे कि आपका इंटरनेट आउट होगा। तो हमारे क्या था, एड्रेसेस में हमारे DHCP सर्वर से सब कनेक्शन निकल करके जा रहा है। तो हमें क्या करना, अच्छा ओके, एक मिनट, अच्छा ये IPv6 का मैंने खोल दिया, मैं भी क्या बोलूँ, एड्रेसेस में जाना है एंड यहाँ पे जा करके आपको क्या करना है कि ये DHCP सर्वर है, हमें इसे नेट करवाना है, ठीक है, इस नेटवर्क को नेट करवाना है, कंप्लीट नेटवर्क को करवाना है, इसलिए हम 3.0 का पकड़ के चल रहे हैं। पेस्ट करेंगे /24, और एक भी बहुत ईजी तरीका है बट मैं इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे हो गया, एक्शन में जाएंगे, एक्सेप्ट में करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मास्करेड अप्लाई, ओके। अब देखो ये पैकेट्स थोड़ी देर में यहाँ पे आपको देखो बाइट्स जाना शुरू हो गया, मतलब हमारा इंटरनेट चल चुका है। अब फ्रॉम नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमारा इंटरनेट चल चुका है। दैट्स ऑल सिंपल, आप किस तरीके से डायनेमिकली इंटरनेट को इन करवा सकते हो एंड फिर बाद में IP असाइन करके फिर इंटरनेट को आउट करवा सकते हो। एंड अगर हम लोग YouTube भी चला करके देखें ना, फॉर नाउ देखो हमारा इंटरनेट भी चलना शुरू हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद है तुमसे वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो बनाते और क्या था कि ना, मैं चाहता था कि जितना हो सके डिटेल में जा सके, तो मेरे एंड से पूरा कोशिश लगा कर मैंने इस वीडियो बनाया। अगेन आपको लगता है कि नहीं यार इसमें और थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐड ऑन हो सकता था, देन डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट करो, और जो भी क्वेश्चन है आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आकर के पूछ सकते हो। हालांकि हमें उतना कुछ खास गेमिंग करना आता नहीं है, फिर भी आ सकते हो, स्ट्रीमिंग का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।